काफ़ी ओपनिंग मैंने अभी एक शाहरुख के साथ वेब सीरीज़ की और एक मेरा म्यूजिक वीडियो रिलीज़ होने वाला है पंजाबी स्वीट रिकॉर्ड के साथ सहा मेरे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में हैं जो हो सकता है एज ए प्रोड्यूसर मैं वर्कआउट करूँ अभी और मतलब उसमें मैं ही दिखाऊँ तो लेट्स सी अभी बहुत सारा काम है अभी टाइम कितना हुआ है इंडस्ट्री के अंदर आए हुए मुश्किल से 18 महीने हुए हैं और बहुत काम कर लिया अल्लाह का शुक्र है और ऊपर वाले ने बहुत इज्जत से नवाजा है तो अभी तो शुरुआत एकदम से किसी के साथ भी करती हो बिग बॉस मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि बिग बॉस के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो पब्लिक ऑडियंस नेचुरल चीज़ को ज़्यादा पसंद करती है तो लेट्स सी अभी तो 3 हफ्ता हुआ है अभी आई थिंक TRP 1.4 रही है मैं दिल से चाहती हूँ अच्छा जाए बेस्ट विशेज हैं मेरी बिग बॉस टीम के लिए क्योंकि अगर हम यहाँ खड़े हैं बिकॉज ऑफ कलर्स सो थैंक यू हैव योर कलर्स अच्छा नहीं मैं एक थोड़ी सी एक आपको एक सीक्रेट बताती हूँ मैंने इस रेस्टोरेंट का खाना कल ही खाया क्योंकि मैं स्पेशल गेस्ट थी तो मुझे खाना भिजवाया गया मतलब मैं उंगलियाँ नहीं खा गई इतना अच्छा स्वाद कोई 5-स्टार रेस्टोरेंट 7-स्टार रेस्टोरेंट से बेटर स्वादिष्ट खाना यहाँ पे है ITC दिल्ली के मेन शेफ यहाँ के शेफ है तो आपको अमेजिंग फूड माउथ वाटरिंग फूड और अभी त्योहारों के दिन में एक अमेजिंग रेस्टोरेंट खुल गया है जूम में वैसे भी बहुत कमी थी अंधेरी लोकनाला से लेके बैंड्रा तक हम लोग को एक स्वादिष्ट यम्मी कुछ अलग रेस्टोरेंट की जरूरत थी और ये जिला इसलिए फैमिलीज के लिए जो खासकर जो इकोनॉमी की बातें हो रही है कि हर जगह महंगाई 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 तो 5-स्टार रेस्टोरेंट खुल जाने की कोई जरूरत नहीं है आपको बेटर क्वालिटी फूड वैसे ही डेकोरेटेड फूड वैसे ही सर्विंग स्टाइल में वैसे ही एम्बियंस में यहाँ पे मिलेगा सर आप मेरी सिस्टर है वो हमेशा कहीं भी जाती है तो सबको बेस्ट विशेष ही देती है अच्छा ही बोलती है वाकई में उनके आने से विला 49 को 4 चांद लग गए नहीं लेकिन मैं खाना खा चुकी हूँ कल और आपके सामने खड़ी हूँ मैं खुशी से तो जैसे मैंने कहा मैंने लिए अपनी उंगलियाँ खा गई कल तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आज मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया ताकि मैं यहाँ आके जस्टिस कर सकूँ तो मैंने अपना पेट खाली रखा है मदद है पहली फिल्म से इंडिया को नचाने की तो वही मैंने कैरी ऑन किया थैंक यू किस तरह का है रेस्पॉन्स एक मोबाइल किसका है बेच दो बोल रखे हेलो दोस्तों मैं हूँ कमाल मलिक फिल्म एंड टीवी एक्टर एज यू नो मी कमर्शियल से भी नवी मूवीज नवी टीवी सीरियल्स रिसेंटली रिलीज बेस रहे भी सलमान खान देन अभी प्रस्थानम संजय दत्त की है रजनीकांत की एक मूवी कर रहा हूँ दरबार आपने देखा होगा काफ़ी सीरियल्स में अजय भाई मेरे भाई हैं मेरे काफ़ी पुराने दोस्त हैं और ये विला 49 के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये बहुत एक्चुअली विला वापस आ गया इससे पहले विला 69 था एंड नाउ 49 आई थिंक सम नंबर्स का कुछ यहाँ पे है बट आई होप कि अब ये नया फिर से ओपन हो और ये विला बहुत अच्छे से चले गुड विशेस देना चाहूँगी और मेरी दोस्त ने बोला है तो आई एम सो हैप्पी फॉर हिम और मैं डेफिनेटली यहाँ पे पार्टी करके आऊँगी विद माई फ्रेंड जितने भी हैं उनको सबको बताऊँगी भी और आई होप हैपनिंग हो और सबको बहुत खुशी मिले यहाँ पे आके पार्टी करके सब इंजॉय करें बॉलीवुड में बहुत सारे फिल्में किया तो देखा अजय भाई हमारे भाई हैं और ये 49 जो है पूरे बॉलीवुड के लिए बना है पूरा बॉलीवुड यहाँ आने वाला है हर वक्त आएंगे आई को ब्लेस एहसान भाई मेरे भाई है मेरे भाई से बढ़कर है और उनकी विशेष दिल से देते हो किसी को भी विशेष देते दिल से देते हैं और वो आए मुझे बहुत अच्छा लगा कि विला 49 पे मेरे दोस्त एहसान भाई आए बहुत चलने वाला है हर जिले का खूबसूरती रूप रंग म्यूजिक संगीत खाना पीना सब मिलेगा तो मैं इनके जो करता धरता है भाई हमारे अजय भाई और तमाम लोगों को शुभकामना देता हूँ बहुत ही मुबारक दिन इन्होंने रखा है विला 49 आज करवा चौथ के दिन रखा है तो करवा चौथ की भी सबको शुभकामनाएं और विला 49 की भी सबको शुभकामनाएं
और यहाँ व्यंजन की काफ़ी अच्छी व्यंजन अच्छा चाहिए, क्योंकि घर की पत्नियाँ जो हैं व्रत तोड़ती है, तो उन्हें अगर अच्छा व्यंजन नहीं मिला तो फिर साल भर आपको अच्छा व्यंजन नहीं मिलेगा। अगर हमें अच्छा व्यंजन नहीं मिला तो फिर हम साल भर इनको देखिए, हम पत्नियाँ ऐसी होती हैं कि पूरे साल भर बहुत सारी डिमांड करती हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए ऐसे चाहिए वैसे चाहिए छोटा चाहिए बड़ा चाहिए अच्छा चाहिए, तो हम सारा साल जो है ना इन पतियों को मतलब जीने नहीं देते, पूरे साल अपनी डिमांड करते हैं और साल में एक दिन करवा चौथ रखते हैं और फिर ईश्वर से कह कर इनको मरने नहीं सब कुछ हमारे पास। देखा जाए तो करवा चौथ का ये टाइम ही चल रहा है, करवा चौथ का संबंध होता है चांद से, और आप देखिए सारी चांद वाली फिल्में आ रही है, बिग बॉस तो आ चुकी है, ओजरा चमन आ रही है, बाला आ रही है, हाउसफुल 4 उसमें तो चार चांद है, तो ये समझ लीजिए कि ये सब मुझे लगता है कि चांद की मदद करने के लिए आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा सिफारिश करने के लिए, चांद सिफारिश वाले गंजे आदमी बेचारा आज के दिन तो घर से छुटता फिर रहा है, क्योंकि अगर गंजा कहीं दिखाई दे तो गाना गाने लगती महिला है, तो आए तो आया मुझे यार गली में आज चांद निकला। और हमारे रिस्पेक्टेड होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होम मिनिस्टर अमित शाह जी की तरफ से देश के तमाम होम मिनिस्टर्स को यानी गृह मंत्री को करवा चौथ की शुभकामनाएं। मेरे पत्नी ने भी करवा चौथ का उपहास रखा तो हमने कहा गिफ्ट क्या चाहिए, तो वो बोली उजड़ा चमन, मैंने कहा किससे कह रही हो तुम उजड़ा चमन, बोली ये उजड़ा चमन पिक्चर देखना, तो मैं बोला उजड़ा चमन तो क्या, बाला भी दिखाऊंगा हाउसफुल भी दिखाऊंगा और जल्दी ही यूट्यूब पर आ रही बिग बॉस भी दिखाऊंगा, तो आप तमाम लोगों को चांद मुबारक। मित्रों आप खुश रहिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप पर कोई धारा नहीं लगेगी, केवल एक ही धारा लगेगी, धारा शुद्ध धारा। मुंबई रफ्तार न्यूज की खबरें पसंद आने पर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।